हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो यूपी वीडियो यानी जो डी फार्म का एग्जाम होता है उसका ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। पहले सर्वर प्रॉब्लम था तो भर नहीं जा रहा था, लेकिन आज अभी से यह फॉर्म भरा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है yuraj.up.gov.in, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। ओपन होने के बाद ऊपर यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी डाल देनी है, नीचे पासवर्ड डाल देना है और फिर लॉग इन पर क्लिक कर देना है। अगर जो आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे जो फॉरगेट पासवर्ड है इस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं। तो जैसे आप लॉग इन करेंगे, आप जो युवराज के डैशबोर्ड है इस पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एग्जामिनेशन न्यू, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है एग्जाम फॉर्म, इस एग्जाम फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो फॉर्म जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स आपके भरे हुए मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आपका नाम, ब्रांच नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मोबाइल नंबर। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो उसके लिए कुछ भी यहाँ पर जो उसके क्राइटेरिया दिए गए कि इतने एमबी की आपको लोड करना है, तो यहाँ पर जो फोटो के क्राइटेरिया है वो 20 KB से 50 KB के बीच होने चाहिए, जेपीजे और जेपीजी होना चाहिए। और जो सिग्नेचर है वो भी मैं सॉरी वो 5 KB से 20 KB होना चाहिए, जेपीजे या फिर जेपीजे होना चाहिए। तो ये आपको कैसे बनाना है, तो ये कुछ नहीं करना है, बस आपको केवल एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप में सेंड कर देना है। और फिर उसी जो व्हाट्सएप में आप सेंड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपकी जो फाइल है उसका जो एमबी है वो कम हो जाता है, तो वहां से भी वो आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे आपके जो सब्जेक्ट कोड होंगे वो चेक कर लेना है और सब्जेक्ट नेम चेक कर लेना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो जब सब कुछ इसमें सही होगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिक्लेरेशन का, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने आपका फॉर्म आ जाएगा, तो इसको आपको प्रिंट आउट करा के आप अपने इंस्टीट्यूट में इसको जमा भी करेंगे, इसमें आपका सिग्नेचर होगा और आपके प्रिंसिपल का भी सिग्नेचर होगा। तो ऐसे ही आप अपना जो यूपी वीटीयू का एग्जामिनेशन फॉर्म है सबमिट कर सकते हैं, और फिर आपके सामने जो स्लिप निकलेगी इसको आपको प्रिंट आउट करना है और आपको अपने इंस्टीट्यूट में इसको जमा भी करना है, और इसमें आपको अपना साइन और आपके प्रिंसिपल का भी साइन लगेगा। तो ऐसे ही यूपी वीटीयू का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।